हे गाइस वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज रिएक्शन। गाइस तो गाइस आज जो वीडियो रिएक्ट करने वाला हूं ये मूवी का ट्रेलर है, दत्ता मूवी का ट्रेलर है गाइस। ये एक बंगाली मूवी, काफ़ी टाइम के बाद मैं एक बंगाली मूवी का ट्रेलर जो है जिसमें मैं रिएक्ट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। लास्ट टाइम अबार विवाह अभिजान मूवी जो है उसके मैंने ट्रेलर पर रिएक्शन किया, जो एक कॉमेडी मूवी है गाइस। तो अभी जो है गाइस जो रिएक्ट करने वाला हूँ दत्ता मूवी के ट्रेलर पर हम देखने वाले हैं, और रीता प्रणा सेन गुप्ता जो है गाइज इस मूवी के आई थिंक शायद उन्होंने इस मूवी में शायद एक्टर हैं रितुपर्णा सेन गुप्ता, फर्स्ट टाइम मैं इनके बारे में सुन रहा हूँ। और जॉय सेन गुप्ता एंड साहेब चटर्जी और बिस्वी चक्रवर्ती काफ़ी सारे इसमें एक्टर्स हैं गाइज। और मुझे मूवी जो है और जो मैंने वीडियो ली है गाइज इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, जो कि रीतापर्णा सेन गुप्ता के चैनल से मैंने वीडियो ली है गाइज। तो ये वाइज पहले ट्रेलर देखते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। और जो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है शरद चंद्रा चट्टोपाध्याय, तो ये तो मुझे एक राइटर लग रहे हैं, राइटर आई थिंक नॉवेलिस्ट है आई थिंक, कंफर्म नहीं है, इसके बाद में बात करूंगा। तो उसके बाद जो है पहले हम मूवी का ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद जो है भी है वीडियो जो भी जैसी भी लगती है उसके बाद हम बात करेंगे गाइस। चैनल पर नए तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, लेट्स प्ले। বাপ বেটার কর্তব্যই হলো তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর। পুতুল পূজা আমাদের ধর্ম নয় বুঝতে পেরেছেন, তাই নিষেধ করাটাই কোনো অন্যায় মনে করি না। শুনেছি নরেন বাবু বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসেছেন, কাছাকাছি কোথাও ভালো প্র্যাকটিস করে বাবার ঋণটা কি শোধ করতে পারেন না? কতবার ভেবেছেন আপনা আপনি কি করে জানলেন একটি মেয়ে খাওয়ানোর মধ্যে কত বড় শক্তি লুকিয়ে থাকে? এই ঘর বলে তুমি তুমি বেঁচে গেলে বুঝতে পেরেছো, অন্য কোনো ঘর হলে তোমার এই বিদ্রুপ করা আমি বেস্ট ডোন লাগ রিয়ে মুঝে রিয়েল স্টোরি পে মাথান কি বাড়িতে আছেন? কই দেখি তো বাবার চিঠিটা, আমি কি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি নাকি? যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে নব ফাল্গুনের দিনে জানি নে অনুমালি তার নিজের মেয়ের সাথে তার সর্বস্ব আমার হাতে দিয়ে গেছে, কারণ না থাকলে তুমি উঠবে না, তুমি আমায় বিশ্বাস করো না? আপনিও তো আমায় বিশ্বাস করেন না কাকা বাবু। কাফি পুরানে টাইপ কা বো দিখায়া হ্যায় ইসমে পুরানি স্টোরি কোই সকল ভালোবাসা তুমি পড়িয়ে দাও মা, এরা দুজন বাইরে আলাদা হলো অন্তরে এক, একটা শুভ দিন আসছে যেদিন এদের সম্মিলিত জীবন ধন্য হবে। সাধু সাধু সাধু। Releasing soon. Okay guys, दत्ता या दत्त मूवी जो है गाइज इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो है गाइज ये हो गया एंड यार। दत्ता या दत्त हो सकता है मेरे हिसाब से गाइज, कमेंट सेक्शन बताना। लेकिन अगर बात करूँ मूवी की तो मूवी यार स्टोरी मुझे लग रही है काफ़ी पुरानी, और इसमें मतलब काफ़ी पुरानी स्टोरी काफ़ी पुराने टाइम की स्टोरी इसमें दिखाई है। और जो कि गाइज इसमें एक्टर है जो जिन्होंने कास्ट किया है रितुपर्णा सेन गुप्ता जो है इसमें, और भी काफ़ी सारे इसमें वो दिखाए हैं जिन्होंने कास्ट किया है इसमें। तो ये जो है गाइज अभी एक स्टोरी को जो है मैं इनके बारे में पढ़ रहा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, जब मैंने नाम सुना ना चट्टोपाध्याय तो मैंने सोचा इनके बारे में सर्च किया जाए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक नॉवलिस्ट हैं, तो वही एक नॉवलिस्ट निकले और काफ़ी सारी इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं
क्योंकि मैंने काफ़ी पहले जो है पढ़ा था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, अभी जो है मुझे चट्टोपाध्याय के नाम से आता, लेकिन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय मैंने पूरा जब पढ़ा इनके बारे में तो मुझे पता चला कि इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनकी काफ़ी एक पोइट थे और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी एक फिलोसफर, मतलब काफ़ी अच्छी उनकी बुक्स भी उन्होंने काफ़ी लिखी हैं। तो उसी तरह से वो भी मतलब इन्हीं के टाइम के मतलब कि वो राइटर वगैरह थे। तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। 1976 में इनका जन्म हुआ था और 1976 में इनका जन्म हुआ था और साथ ही साथ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 जनवरी 1938 को कोलकाता में। तो बंगाली यार काफ़ी सारे मतलब मैंने देखे हैं, बंगाली से एक लेजेंडरी जो है, अब वो राइटर हो पुराने टाइम पे या अभी भी जो है मतलब कि जो है एक्टर हो कोई भी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है बंगाल साइड से काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने देखे हैं, जो काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है अपने, अगर अपनी आज़ादी के टाइम की बात करूँ मैं तो। गाइज ये जो है इनकी एक देवदास मूवी थी जो कि इनकी मतलब देवदास हमने मूवी देखी है जो है शाहरुख खान की, तो देवदास जो मूवी है वो इनकी बुक जो है देवदास 1970s में उन्होंने लिखी थी 1917 में। तो ये जो है एक इन्होंने ये बुक लिखी थी, काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने पसंद किया, काफ़ी मतलब अभी भी जो है काफ़ी पसंद की गई थी इनकी जो देवदास मतलब देवदास मूवी शाहरुख खान की, लेकिन वो जो है इसके जो राइटर थे वो वैसे देवदास मूवी के वो थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय सर। और उसके अलावा गाइस और भी काफ़ी सारी बुक जिसमें कि एक अभी जो है बुक है दत्त, तो ये है 1918 की, उसके अलावा बड़ी दीदी 1913 की, और पथ की दावेदार 1926 की, मतलब काफ़ी सारी पल्ली समाज काफ़ी सारी इनकी बुक है, काफ़ी बड़े नॉवलिस्ट थे। और इनके अलावा नॉवलिस्ट के बात करूँ तो यार एक नहीं है, काफ़ी सारे आपको कोलकाता से ना आपको मतलब बंगाली काफ़ी सारे आपको नॉवलिस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो गाइज ये जो मूवी है ये इन्हीं के ऊपर इनकी बुक के ऊपर आधारित है। मूवी के जो दत्ता मूवी का ट्रेलर है गाइज जो रिलीज हुआ है, इस पर इतने ज़्यादा जो है व्यूज़ वगैरह भी नहीं है, तो मुझे लगता है मेरा मानना ये है कि इस मूवी को जो है जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो एक काफ़ी बड़े जो है एक नॉवलिस्ट हैं, इनकी उनकी इतनी सारी बुक्स हैं, उन्होंने इस तरह की स्टोरी लिखी है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की मूवीज़ को जो है ज़्यादा जो है एक प्रमोट किया जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए लोगों को। तो अभी तो बल्कि गाइस ये हिंदी लैंग्वेज में जो है बंगाली लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जब बंगाली में रिलीज़ हो रही है तो बंगाली लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा देखना चाहिए, और बल्कि इसको हिंदी लैंग्वेज में अलग उसमें लैंग्वेज में भी गाइस ये रिलीज़ की जानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो अभी जो है गाइस ये मूवी का मैंने ट्रेलर देखा है, आपका ट्रेलर को लेकर आपकी क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताएं, और कुछ मैंने अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हो सकता है गाइस मैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर तो नहीं दे सकता, मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मतलब जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हैं, बस मैं थोड़ा पढ़ के या फिर समझ के आपको बता रहा हूँ। तो गाइस जैसा भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेव रहे मेरे साथ, देखते हैं डेली रोज़ रिएक्शन, बाय बाय।